Welcome to Interview Cracker. This is Saurabh. Today I will discuss about one crucial topic. दोस्तों आप जानते ही हैं जो भी टॉपिक मैं करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं बनाता हूँ। अब जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए ही ये सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। ये पूरा नया टॉपिक है MCA और MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे आप क्वालिफाई करेंगे उसके लिए हर एक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCA एंड MSc के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन मैं डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। ये पहला सेशन है, ऐसे ही लगभग ये सेशन दोस्तों मैं कवर अप करूँगा। एक गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से क्वेश्चन और आंसर को आप कवर अप करते हैं दोस्तों आप 100% जरूर क्रैक करेंगे दोस्तों, इसका मैं गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है दोस्तों देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इंटीजर डाटा टाइप इन ए कंपाइलर इन व्हिच साइज ऑफ इंटीजर इज 2 byte। इसका मतलब है आपका जो इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप है, उसका साइज है 2 byte, मतलब 16 bit है। और दोस्तों आपको बोला गया है साइन इंटीजर अगर रिप्रेजेंट करेंगे साइन इंटीजर का रेंज कितना होगा, इसका मतलब है साइन इंटीजर मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है साइन में पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। और दोस्तों और एक बात, साइन अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 मेथड है, एक है 1s कॉम्प्लीमेंट और एक है 2s कॉम्प्लीमेंट। आज का जो कंप्यूटर है दोस्तों 2s कॉम्प्लीमेंट में जो नेगेटिव नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए इधर रेंज लिखा गया है 2s कॉम्प्लीमेंट का, तो जो साइन नंबर का जो 2s कॉम्प्लीमेंट मतलब दोस्तों नेगेटिव नंबर का और पॉजिटिव नंबर हर एक को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली साइन मतलब साइन का जो नेगेटिव नंबर होता है दोस्तों उसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2s कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो रेंज है +2n-1-1 ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है और नेगेटिव के लिए -2n-1, तो ये रेंज है। इसको अगर हम इसमें करेंगे दोस्तों 16 bit में अगर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 to the power 16-1 देखिए दोस्तों नेगेटिव के लिए, तो माइनस इसका रेंज हो गया -2 to the power 16-1 2, इसको हो गया दोस्तों 2 to the power 16-1-1। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये रेंज हो गया -2 to the power 15 2 हो जाएगा 2 to the power 15-1। तो इसको अगर कैलकुलेट हम करेंगे तो कैलकुलेट करने से क्या होगा, देखिए इसमें कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा ये जो 2 to the power 10 मतलब 1024 और दोस्तों 2 to the power 5 मतलब 32, इसका मतलब है 1024 into 32। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -3 to 7 6 8 2 +3 2, ये दोस्तों -1 है तो इससे 1 घट जाएगा, तो इसमें क्या होगा 3 to 7 6 7। तो दिस इज द रेंज, अगर आप इसको देखेंगे इसमें दोस्तों देखिए ये वाला जो है डी वाला -3 to 7 6 8 to 3 to 7 6 7 यही है दोस्तों इस क्वेश्चन का है। दोस्तों देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड वेरिएबल नेम इन सी और सी प्लस प्लस। वी ऑलरेडी नो दैट आइडेंटिफायर गिव्स द नेम ऑफ ए वेरिएबल वेरिएबल एरे एंड फंक्शन, सो इट गिव्स सम रूल्स, इफ वी चेक द रूल्स। देखिए दोस्तों इसमें पहला है अंडरस्कोर दोनों अंडरस्कोर अलाउड, और दोस्तों इसमें देखिए ए है और जीरो है, इसका मतलब है आप जो नेम है वेरिएबल का वो दोस्तों आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं मगर डिजिट से आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स अलाउ है मगर आपका जो डिजिट से वो अलाउ नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो सी है इसमें दोस्तों जीरो से स्टार्ट किया गया है, ये डिजिट से स्टार्ट किया है, तो ये दोस्तों एक्चुअली ये सही नहीं है वेरिएबल स्टार्ट मतलब वेरिएबल नेम के लिए, इसलिए इसमें इनवैलिड बोला है, तो ये सही आंसर है। और ये तो दोस्तों आप जानते हैं सब ठीक है। देखिए दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है दोस्तों देखिए इसमें एक कोड दिया गया है, अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा यही आपको बोलना है। दोस्तों देखिए हैज इंक्लूड ये हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में ए इज ए वेरिएबल दैट स्टोर 100 वैल्यू ए स्टोर किया है। इसमें दोस्तों देखिए ए ग्रेटर देन 10, इसमें अगर देखेंगे 100 ग्रेटर देन 10
इसके बाद प्रिंटेड फास्ट, इसके बाद अगर आप देखेंगे एल सीप, इसमें भी ए ग्रेटर देन 20, तो 100 ग्रेटर देन 20। इसके बाद एल सीप में और एक दिया गया है 100 ग्रेटर देन 30। देखिए दोस्तों हर एक चीज़ इसमें करेक्ट है, अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें कॉन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये जानना चाहिए दोस्तों, अगर इफ कंडीशन, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो जो बात का जो भी कंट्रोल है, मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट में जो भी लिखा गया है वो दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो जो प्रिंट इफ स्टेटमेंट है फास्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद ये जो कंट्रोल होता है दोस्तों, कंट्रोल फ्लो जो होता है वो दोस्तों इससे डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, जो प्रोग्रामिंग का जो ब्लॉक है जो दोस्तों कंप्लीट हो जाता है उससे निकल जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, और जो आउटपुट है वो दोस्तों फास्ट इसको डिस्प्ले कर देगा फास्ट। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ देखो, देखिए दोस्तों इसमें कोड दिया गया है, ये जो कोड है इसमें आपको बोलना है कौन सा, अगर ये एग्जीक्यूशन होगा तो कौन सा आंसर राइट है। तो देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें दो ठो वेरिएबल लिया गया है, उसके बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एक स्टेटमेंट है, और एक दोस्तों एक्स इक्वल टू 3 है, और दोस्तों इसमें वाई का वैल्यू प्रिंट किया गया है। अगर आप देखेंगे इसमें दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसको बोला जाता है एल वैल्यू प्रॉब्लम। एल वैल्यू मतलब होता है दोस्तों, इधर मैं लिखा हूँ जो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों एन एल वैल्यू लोकेटर वैल्यू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई सम आइडेंटिफाइएबल लोकेशन इन मेमोरी, आर वैल्यू डस नॉट हैव एन आइडेंटिफाइएबल मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब है एल वैल्यू जो होता है दोस्तों उसका पास ये अधिकार है वो रख पाएगा मेमोरी लोकेशन, मतलब एक वेरिएबल का एड्रेस वो रख पाएगा, मगर आर वैल्यू जो है मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है दोस्तों उसके पास कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, वो वैल्यू मतलब वैल्यू का फॉर्म में कुछ भी डाटा रख पाएगा, मगर लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लोकेटर वैल्यू है दोस्तों, इसका मतलब है वो मेमोरी एड्रेस उसका मतलब है दोस्तों, तो मेमोरी एड्रेस वो रखता है दोस्तों। ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10 ये दोस्तों गलत है, क्यों, ये प्रॉब्लम है एल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब दोस्तों देखिए ये जो एक्स प्लस वाई ये दोस्तों कुछ ऑपरेशन कर रहा है, मगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा ही वेरिएबल रख पाएंगे जो नॉर्मल वेरिएबल होगा जो एड्रेस रख पाएगा, जो वैल्यू जैसे ए रखा है दोस्तों एक्स इजिकल टू 3 ये दोस्तों राइट अरेंजमेंट है, क्योंकि एक्स का एक एड्रेस है उसमें आप 3 वैल्यू को 3 वैल्यू को आप स्टोर कर पाएंगे, मगर ए जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इसको बोला जाता है एल वैल्यू प्रॉब्लम, जो इसमें एक्स प्लस वाई एड्रेस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये बोला जाएगा कंपाइलेशन एरर जो है दोस्तों एल वैल्यू प्रॉब्लम। दोस्तों ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें अगर देखेंगे इसमें एक वेरिएबल लिया गया है, उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप में देखिए लास्ट में एंड में एक सेमीकोलन दिया गया है, इसका मतलब है ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप हो गया, मतलब ये जो लूप है मतलब ये जो है दोस्तों सेमीकोलन, इसके बाद ये इस जो लाइन है प्रिंटेप का ये जो लाइन है दोस्तों इसमें एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये देखेगा मतलब ये जो सेमीकोलन है ये नेक्स्ट लाइन को नहीं जा पाएगा, इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों गार्बेज वैल्यू देगा। ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा गया है एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर बुलियन एक्सप्रेशन ए बार प्लस वन इज, तो ए बार प्लस वन का बुलियन एक्सप्रेशन है। देखिए दोस्तों बुलियन एक्सप्रेशन दो ठो चीज का ऊपर पूरा बेस है, मतलब है ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन, इसके बाहर में कुछ भी नहीं है बुलियन का। तो देखिए अगर ए बार प्लस वन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप ए का वैल्यू ट्रू ले लेते हैं तो क्या होगा, कुछ भी ट्रू वैल्यू प्लस वन करेंगे तो वन मतलब भी एक ट्रू वैल्यू ही है, तो ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही होगा। अगर आप मैं सोच लेता हूँ आप ए का वैल्यू जीरो मतलब फॉल्स ले लेते हैं, अगर आप फॉल्स भी ले लेते हैं तो भी अगर आप करेंगे फॉल्स वैल्यू उसके बाद वन, इसका मतलब है फॉल्स वैल्यू के साथ अगर ट्रू वैल्यू आप प्लस कर रहे हैं तो और करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ट्रू ही होने वाला है। तो अगर जो भी करेंगे उसमें ट्रू वैल्यू आएगा, ट्रू मतलब होता है दोस्तों वन, तो इसका सही आंसर है सी। ये सेवन नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, देखिए दोस्तों छोटा छोटा जो ट्रिक होता है उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं।
तो इसमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई के बाद बार है ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी के बाद डी प्लस ई। अगर देखेंगे दोस्तों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉमन टर्म है, तो ये कॉमन चला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद डी प्लस ई बार प्लस डी प्लस ई। हम जानते हैं दोस्तों ए प्लस ए बार इक्वल टू वन, हम ये जानते हैं ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। ये दोस्तों बुलियन जो है, बुलियन एल्जेब्रा है, उसमें एक लॉ है ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। तो इसको अगर हम ए लेंगे तो ए बार प्लस ए, इसको मतलब हो जाता है दोस्तों वन। तो अगर ए वन हो जाएगा तो हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी ये दोस्तों हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है इसका आंसर है ए प्लस बी प्लस सी, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया है। बहुत ईजी है दोस्तों, ट्रिक आपको समझना। एट नंबर क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों देखिए लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द रेंज माइनस 8 टू 7 यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ईच। तो 2s कॉम्प्लीमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका रेंज कितना है, एक जो पहले क्वेश्चन में हम इस डिस्कशन किए थे दोस्तों, जो रेंज है माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 टू प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये जो रेंज है तो इसमें लिखा गया है, ये जो नंबर है इसमें रेंज दिया गया है, तो इसमें मिनिमम कितना बीट लगेगा रिप्रेजेंट दैट नंबर। अगर इसमें हम अगर देखेंगे दोस्तों, अगर 3 बीट लेते हैं, 3 बीट लेते हैं, तो हम मिनिमम कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 2 to the power 3 minus 1, तो मतलब होता है दोस्तों 2 to the power 2 minus 1, इसका मतलब है आपका -4 2 3। अगर -4 से 3 का बीच में जो भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो आपको मिनिमम 3 बीट में हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोला गया है -8 से 7, अगर -8 से 7 हम करेंगे, अगर 4 बीट लेते हैं तो 4 बीट अगर लेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 to the power 4 minus 1, तो माइनस से हो जाएगा 3 2 प्लस 2 to the power 4 minus 1 minus 1, तो 3 2 minus 1, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों -8 2 plus 7। ये जो दोस्तों लिखा गया -8 to 7, तो ये जो रेंज है ये दोस्तों 4 बीट में, मिनिमम 4 बीट से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यही दोस्तों आप अगर रेंज को याद रखते हैं तो 2s कॉम्प्लीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2s कॉम्प्लीमेंट आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए दोस्तों, तो ऐसे ही आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए अगर 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जनरली अगर आप कोई भी नंबर, जैसे आप अगर 7 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 7 के लिए दोस्तों देखिए जो पॉजिटिव नंबर है तो 0 triple 1, तो पॉजिटिव नंबर का हम 2s कॉम्प्लीमेंट पूरा सेम रहता है जैसे हम बाइनरी करते हैं, मगर इसको अगर -7 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, -7 को करेंगे तो ये पहले ये क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, ये 1 triple 0 प्लस उसके बाद 1 प्लस ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये जो 1 है ये दोस्तों साइन बीट है, तो ऐसे ही हम -7 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है सी लैंग्वेज में, इसका वैल्यू कितना है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर इसका हम अगर हम वैल्यू देखेंगे, ये है दोस्तों 3 logical and 2। तो अगर आप लॉजिकल एंड करेंगे दोनों नंबर को, देखिए दोस्तों ये जो नंबर होता है, ये नंबर मतलब होता है कोई भी नंबर होता है तो इसको ट्रू वैल्यू बोला जाता है, मतलब 1 होता है दोस्तों। अगर ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, इसको अगर हम लॉजिकल एंड करेंगे, लॉजिकल एंड अगर करेंगे तो इसका मतलब हो गया आपका 1, क्योंकि ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू लॉजिकल एंड करने से 1 होता है। उसके बाद है 5, ये दोस्तों है B2H एंड, तो B2H एंड अगर करेंगे इसका मतलब इससे हम जो मिला है उसको हम लोग का मिला है 1 B2H एंड 5। तो 1 अगर हम डेसी मतलब बाइनरी में करेंगे, क्योंकि B2H ऑपरेटर ऑपरेट ऑन बाइनरी
डिजिट्स, इसका मतलब जीरो एंड वन में। इसका अगर कन्वर्ट करेंगे वन को तो इसका मतलब है दोस्तों 001, और इसका अगर एंड करेंगे बी टू आई एंड फाइव से तो हो गया 101, एंड करेंगे तो क्या होगा 111 हो जाएगा। इसके बाद 000 बेटा ए अगर एंड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं 00011011। ये अगर ए बी है ये वाला, अगर एंड करते हैं हम लोग ए एंड बी तो इसका मतलब है जो अगर 00 होगा तो 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए 1 होता है लॉजिकल एंड में। मतलब जो बिट वाइज एंड है, अगर एंड अगर ट्रुथ टेबल में करेंगे तो ये ट्रुथ टेबल से आंसर आ गया, इसका मतलब है डेसिमल में 1। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है, इसका आंसर होगा 1 आपका दोस्तों। ये 10th क्वेश्चन है, 10th नंबर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया शिफ्टिंग बाइनरी डेटा टू द लेफ्ट बाई वन पोजिशन यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर अमाउंट टू डिविजन बाई टू सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एडिशन ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन बाई टू, तो इसका कौन सा सही आंसर है। अगर देखेंगे अगर आप शिफ्ट रजिस्टर यूज करेंगे तो उसमें लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट करने के लिए बीट को। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, मैं पूरा डायरेक्ट जाता हूँ। अगर आप फाइव अगर एक बाइनरी मतलब डेसिमल नंबर लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 101 बाइनरी में लेते हैं। तो अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसका, इसका लेफ्ट शिफ्ट अगर करेंगे तो क्या होगा। लेफ्ट शिफ्ट करने से दोस्तों क्या होता है, जो वैल्यू है तीन तो पोजीशन है, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो वन है थोड़ा आगे चला जाएगा। तो क्या होगा, देखिए 1010 इसका मतलब है जो वन है, वन का जो फर्स्ट पोजीशन है ये लेफ्ट चला गया, और राइट में हम क्या कर दिए, लेफ्ट शिफ्ट होने से राइट में जीरो आ जाते हैं, क्योंकि ये जो स्पेस है वो खाली हो जाता है। तो ये स्पेस में जीरो चला जाएगा, अभी जो ये लेफ्ट पोजीशन में था उससे ये लेफ्ट शिफ्ट बाय वन, इधर लिखा गया है शिफ्ट बाय लेफ्ट शिफ्ट बाय वन, तो इसमें एक बीट को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब जीरो इसका आ जाएगा। तो अगर देखेंगे दोस्तों इसका वैल्यू मतलब 101 जो मतलब होता है 10, इसका अगर बाइनरी से हम डेसिमल करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 10। तो अगर इसमें ही आप देखेंगे तो ये हो गया क्या 5 मल्टीप्लाई विथ 2, तो इसमें लिखा गया है दोस्तों देखिए ये डिवीजन और इसमें लिखा है मल्टीप्लीकेशन बाई 2। इसमें दोस्तों हम मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे 5 का 2 से तभी हम लोग का जो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। अगर इस पर भी हम करेंगे, देखिए तो 10 है, 10 इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 20 होगा। इसको अगर हम लिखेंगे 20 का बाइनरी अगर करेंगे तो ये होगा 10100, इसका मतलब ये जो नंबर है 1010 इसके मतलब और एक लेफ्ट शिफ्ट दो बार हम कर लिए हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों इसलिए 00 मतलब ये पहले जीरो हम इंसर्ट किए थे, सेकंड बार अगर डबल करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो और एक जीरो हम राइट साइड से इंक्लूड करते हैं, और लेफ्ट जो होता है ये अगर अभी दो तो मतलब दो बार शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू है 20 दोस्तों। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन करने से ही हर एक टर्म को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी डिजिट को, तब हम लेफ्ट शिफ्ट बाई वन पोजिशन हम लेफ्ट शिफ्ट कर पा रहे हैं। यही है दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन बाई 2। ऐसे ही दोस्तों हम बहुत सारा सेशन लेके आएंगे, आप देखते रहिए दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।